जब चुनाव केवल कुछ दिन बचे हों, उसके बाद भी यदि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी राज्य के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उपस्थित हो तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप ही प्रदेश में आपके कार्यालय में आपका स्वागत करता हूँ। आदरणीय साथियों, चुनाव जैसे मैंने कहा कि चंद दिन बचे हैं, मतदाता मन बना चुके हैं, कार्यकर्ता सभी अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं, प्रत्याशी लगे हुए हैं, सारे स्टार प्रचारक यहाँ आए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी आपको दी है और इस 5 गारंटी में जहाँ गृह ज्योति योजना है, गृह लक्ष्मी योजना है, अन्न भाग्य योजना है और युवा निधि योजना है, ये योजनाएं वो गारंटी है जिसे हम हर हालत में पूरा करेंगे। और ये इसलिए लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से आता हूं और छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो वादे हमारे कांग्रेस पार्टी ने किया था, आदरणीय राहुल जी ने वहां किया था, वो हम लोगों ने पूरा किया। चाहे किसानों के ऋण माफ़ी की बात हो, चाहे 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, वो सारे वादे हमने घंटे भर 2 घंटे के भीतर में हमने शुरुआत कर दी थी। और ये गृह ज्योति योजना 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में हमने 400 यूनिट बिजली का आधा किया है, मतलब साफ है कि 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री है। और अभी तक के जो 42 लाख परिवार के जो बिजली कनेक्शन मिला है और उनको हमने सब्सिडी दी है, उसमें 3,200 करोड़ से अधिक की राशि अभी तक के राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी हमने दे दिया है। इसका मतलब ये है कि हम पहले कर चुके हैं, वही वादा आपको कर्नाटक में कर रहे हैं। दूसरी गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें हिमाचल प्रदेश में बात कही गई थी और वहाँ हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी है। अन्न भाग्य योजना, यहाँ प्रति व्यक्ति 10 किलो देने की बात, और हमने छत्तीसगढ़ में प्रति परिवार 35 किलो, मतलब 3 का भी परिवार है, पति पत्नी और एक नाबालिग बच्चा है तो उसको भी 35 किलो मिल रहा है वहाँ। तो हम लोगों ने प्रति परिवार यूनिट माना है और कर्नाटक में वही प्रति व्यक्ति यूनिट माना है और उसमें लगभग 5,000 करोड़ की सब्सिडी अभी तक के राज्य शासन की ओर से आम उपभोक्ताओं को वो पहुँच चुका है। उसी प्रकार से युवा निधि योजना, जिसमें ग्रेजुएट को 3,000 और डिप्लोमाधारी को 1,500, हमने छत्तीसगढ़ में 12वीं पास जो छात्र छात्राएं हैं और जिसका 2 साल का रजिस्ट्रेशन है, उन सबको 2,500 रुपया देने का फैसला किया है। और अभी 30 अप्रैल को 70,000 युवाओं को मैंने 16 करोड़ से अधिक की राशि उनके खाते में डाल के आया। तो इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। और एक योजना जो युवा निधि के साथ जो शक्ति योजना है, फ्री ट्रेवल, जो महिलाओं के लिए बसों में कोई किराया नहीं लगेगा, इस प्रकार की जो गारंटी दी गई है तो वो उसको हमको पूरा करना है। आदरणीय साथियों, एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है वो करती है, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है जो ये कहती है कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज यहाँ 40% की भ्रष्टाचार खुलेआम, और तो और जो राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री से जब कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यही कारण है कि अपने मित्रों को खुला छूट उन्होंने दे दिया है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। ठीक, थैंक यू।
वो पब्लिक पीने की देर करते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में आपने देखा कि किस प्रकार से राहुल जी ने सीधा पूछा कि 20,000 करोड़ अडानी के खाते में कैसे गए, उसकी जांच ना सीबीआई कर रही है, ना ईडी कर रही है, ना सेबी कर रही है, ना आईटी कर रही है। यहाँ एक विधायक यहाँ 6 करोड़ रुपए पकड़ा जाता है, लेकिन ईडी यहाँ नहीं है, आईटी यहाँ नहीं है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए कि पार्टी जो भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के आई थी और खुद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, तो ऐसे जो न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो स्थिति ये है, देश नहीं बिकने दूंगा, बहुत सारे उन्होंने नारे लगाए थे, लेकिन आज स्थिति क्या है? कोई ऐसी संस्था नहीं बची है, भारत के 9 रत्न थे, या तो वो बिक गए या बिकने के कगार पे। तो ये स्थिति पूरे देश में बना के रखे हैं, और कर्नाटक के लोगों को जिस प्रकार से नड्डा जी ने जो धमकी दी है, कल सोनिया जी भी एड्रेस की, राहुल जी ने कहा, खड़गे जी को जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार से धमकी दे रहे हैं, जो कर्नाटक का गौरव है, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके बारे में किस शब्दों का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, ये कर्नाटक की जनता देख रही है, समझ रही है। मैं आदरणीय साथियों, आप बहुत सारी बातें आप सब जानते हैं,